सत श्री अकाल किसान वीरो, अज आपां सूबा उलदे पत्तियां दी ते सीरे दी पशुआं लई एक किट तैयार करन लगे हाँ, जिस लई पहला अद्धा घंटा ये सीरे नूं उबाल लिता गया है ते हुण इस विच सूबा उलदे पत्ते पाउण जा रहे हैं। इस विच शुरुआत विच 1200 ग्राम सीरा कढ़ाई विच पाया गया सी, उस तो बाद 1 किलो सूबा उल दे पत्ते पाए गए हैं, ते नाल ही इस विच अद्धा किलो के करीब नमक पावांगे। जेकर सीधा नमक ले लईए तो ज़्यादा बेटर है। इस गर्म गर्म मिश्रण विच 100 ग्राम चूना भी मिक्स किया जाएगा। इस तो बाद इस 400 ग्राम के करीब पालस पावांगे। ये तेल वाली या बिना तेल वाली दोनों किस्म की हो सकती है। इस तो बाद क्रास किसान भरा इस 400 ग्राम के करीब मिनरल मिक्सचर पावांगे या धातों का चूरा, तो अद्धा किलो के करीब सोयाबीन या मूंगफली की खल कोई भी जी अवेलेबल होगी वो पावांगे। पशुओं लिए प्रोटीन तत् एक बहुत जरूरी तत् है। ये सीधा इस विच प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस विच तकरीबन 50% के करीब प्रोटीन ही है, जिहड़ा कि एक सस्ता प्रोटीन आ ते महंगीआं खलां दी ते दाणे दी इहदी 1 किलो मात्रा 5 किलो वधिया दाणे दे बराबर काम करदी है, ते उहदे नालों सस्ता बहुत ज़्यादा पैंदा है। अखीर विच किसान भरावो, इस दे विच अद्धा किलो के करीब कणक का आटा मिक्स किया जाएगा। लो भी किसान भरावो, हुण इह मटीरियल इट बनाउण लई तैयार आ। इस नूं किसान भरावो किसी सांचे विच पा के भी रख सकदे हां, जां वैसे उह आपां इस दे पेड़े तैयार करके रख दो। जेकर इस नूं लंबे समें लई सांभणा होवे तां मोमी कागज़ विच लपेट के इस नूं 1-2 साल लई आपां संभाल के भी रख सकदे हां। सूबा उल दे पत्तियां दी ते धातां चूरे दी पशुआं लई खाण लई इट तैयार है। इस नूं तकरीबन 1.5 दिन लई इस हालत विच छड़ दो, ये सुक के बिल्कुल सख्त हो जाएगी, ते इस नूं आपां पशुआं दी खुरली विच रख सकदे हां ते ओह अपनी जरूरत अनुसार इस नूं चट्टदे रहणगे।